मायके का पान, तो ये खाने जा रहे हैं मायके वाला। हाँ, गंदा कहाँ से आ जाता है ये सारा, जो चिकनाई है उसको कॉलिन से साफ करना पड़ेगा। तेल का समय पता नहीं, सारा बंद रहता है फिर भी अंदर कैसे तेल का एकदम चिकनाई। वेलकम बैक टू राजन शिवानी व्लॉग्स, कैसे हैं आप लोग? हम लोग अच्छे हैं एंड होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज है 16 तारीख और सफाई अभियान का डे 3 है। तो फिर आज हमने पूछा है रिशांत के पापा से कि क्या विचार है, आज सब साफ सफाई करना है कि नहीं। तो बोल रहे छोड़ो, आज आराम कर लेते हैं। तो ये तो चादर तान के सो गए हैं और रिशांत जो है थोड़ा सा रंगमंच बनाया हुआ है उनके साथ, अभी तो खेलने में इन्वॉल्व है। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा किचन में हाथ लगा दें, क्योंकि किचन में बहुत सारा डब्बा वब्बा है, वो एक दिन में होने वाला है नहीं। तो जो थोड़ा बहुत हो जाए, हम सोच रहे हैं आज थोड़ा सा भी, कम से कम एक सेक्शन भी हो जाए तो कर देंगे, जब तक रिशान अलाउ करता है तब। रिशान आज यहीं पर नानी के घर गया नहीं है, अभी वहाँ पर फिलहाल खेल रहा है। तो हमने निकाला है एक पुराना कपड़ा, कल भी था पुराना ही कपड़ा जो डस्टिंग के लिए काम आया था, उसको हमने फाड़ा है दो टुकड़े में, इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा बनाया। अब चलते हैं किचन में, साफ सफाई में लग जाते हैं, जाएगा बर्तन वर्तन सब यहाँ पे। ये तो अभी धुल के आया था, वो निकला हुआ है। और अभी आज हम सोच रहे हैं कि एक सेक्शन कम से कम, ये सारा डब्बा डुब्बी सब है सबको चेंज, ये पुराना नमक का डब्बा सबको नए वाले में डालना है, ये सारा पुराना हो चुका है, सबको नए डब्बे में डाल के कम से कम ये एक दो सेक्शन जो है साफ कर देंगे। बहुत सारा डब्बा है, सारा जो चिकनाई है उसको कॉलिन से साफ करना पड़ेगा। देखते हैं होता है, देखते हैं कितना तक होता है। गैस वैस सारा को साफ करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। सारा डब्बा सब हमने निकाल दिया है और यहाँ पर देख कितना गंदा बैठा हुआ था, इसको हमने स्क्रबर से इस तरह से रगड़ा है, तब जाके ये थोड़ा सा निकला है। अभी इसको कपड़ा से साफ करेंगे, फिर जाके ये सब ये दिखेगा कितना चिकनाई जो है। तेल का समय पता नहीं, सारा बंद रहता है फिर भी अंदर कैसे तेल का एकदम चिकनाई सब पूरा बैठ गया हुआ है। इस पर पूरा कॉलिन मारे हैं और फिर साफ करें, देखिए कैसा परत सा निकलेगा ये। उसके बाद कपड़ा भिगा के इसको साफ करेंगे, पहले स्क्रबर से रगड़ देते हैं, अच्छे से साफ हो जाएगा ये पूरा कोने कोने में बैठ के। सेक्शन का तो हमने कर दिया ये सेट, सब कुछ एकदम पूरा गंदा गंदा था, सबको साफ करके एकदम सबको, आज जितना भी डब्बा था जिसमें जो खाली है उसको हमने साफ कर दिया, जिसमें सामान है उसको ऊपर से कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है भिगा करके, और एकदम ये साफ हो गया। और इस वाले का हाल देखिए, इस वाले का हमने सारा निकाला है डब्बा, हाल देखिए इसका क्या है, ये कुछ इस तरह का है। अभी हमने ये खाली किया है, अभी इसको साफ करना है, एकदम जो है चिकनाई पकड़ लिया हुआ है। एक स्क्रबर रखा है हमने, स्क्रबर से साफ करेंगे, फिर करके आपको दिखाते हैं। देखिए कितना गंदा, कितना गंदा कहाँ से आ जाता है ये बंद में, इतना गंदा। फाइनली चमक गया है ये तो दाग है, ये जा नहीं रहा है, लेकिन इधर जो है पूरा जो भी पीला पीला सारा था, काला पीला सब, सबको मैंने साफ कर दिया है अच्छे से, जहाँ तक मेरा हाथ जा पाया है। इधर तो मुश्किल से हाथ जा रहा है, फिर भी कर दिया हमने साफ। अब इसमें सारे डब्बों को साफ करके फिर लगाना है। डन हो गया मेरा दो सेक्शन आज। स्पेसिंग कर रहे थे तो निकल रहा था। ये सारे डब्बे जो फालतू फालतू के थे, सारा सामान खाली करके हमने सब सारे डब्बों को साफ करके इसमें रख लिया है। तब तक इसका पानी निकल रहा है इधर से, और उसके बाद जब ये थोड़ा सा इसको कपड़ा से पोंछ के सबको इसमें डालेंगे, जो भी हमने साफ किया है उसको यहाँ पर अरेंज कर दिया। और अब इतना जगह खाली दिख रहा है, पहले ये सारा भरा हुआ था, अभी इसमें इतना जगह खाली दिख रहा है। अब ये हमने दो अलमारी साफ कर दिया, ये तीसरी अलमारी, तीसरी अलमारी का हाल भी देखिए कैसा है। अब इस तीसरी अलमारी को भी साफ कर ही देते हैं, उधर वाले सेक्शन तक उधर तक हुआ है जहाँ तक मेरा हाथ पहुंचा था, और उसके बाद इधर वाले का करना है। पहली दो अलमारी हो गया, ये तीसरी अलमारी है, तीसरी अलमारी को साफ करके इसमें रखना है सारा सामान, डब्बा वब्बी डब्बा डुब्बी सबको हमने धो धा के रख दिया है। अब इधर फिर भी बजा था एक दो, नीचे का दो अलमारी बजा रहा है, लग गए इधर का, ये नीचे का यहाँ तक तो हो गया है, ये सब साफ कर दिया। बहुत बढ़िया, क्या बात,
एकदम अंदर तक आप साफ कर दिए हो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये सारा क्लीन कर दिए हैं शिवानी जी आज। अभी फिलहाल जो है सो इस छोटे वाले बक्से में हाथ लगाएं, लास्ट यही है। ऊपर वाला तो हम पाएंगे नहीं, तो ऊपर वाला अपना भाग्य होगा, तो नीचे वाले को कल करेंगे। नहीं हाँ बस हो गया, नीचे वाले का ये चारों हो गया है, थोड़ा थोड़ा कर दीजिए हो जाएगा। देखिए कैसा कैसा था, इस समय तो कम दिखेगा, उधर तेल वाला था तो और ज्यादा चिकना जमा हुआ था। देखिए कैसा ऐसा ही था पूरा एकदम जो है सो, उस समय धूल जम जाता है इसमें, बस धूल है उसमें, तेल का चिकना एकदम सुपर ओ। हम धीरे धीरे किए, हम सोचे कि अब शाम ये जो है पचफोड़ना है, पूरा खराब हो गया लग रहा है। पचफूटन पचफोड़न पचफोड़न जो बोलते हैं, पूरा जम गया है। कब तक का एक्सपायरी है इसका, देखिए लिखा हुआ है यहाँ, लिखा 2024 में बना है वो तो लिखा है, 24 है की एक्सपायरी 12 महीना 22 में बना हुआ, एक्सपायर कर गया। वही हटाइए फिर पैक है या वही बंद कीजिए। ठीक है आप कर लीजिए जल्दी जल्दी सब, ठीक है होगा कुछ तो। देखिए लाइटर का डब्बा, देखिए तो एक्सपायरी है किसको, ओ नहीं यही नया वाला है जो मतलब है हो गया होगा एक्सपायर, हो गया होगा ये सब एक्सपायर हो गया होगा, देख लीजिए भी है, नहीं तो फेंकी सब जो पीछे पड़ जाता है। वही वही ये क्या है, जो भी है फेंकी, वो भी सब फेंक दीजिए, बंद करिए वो ये भी फेंक, कौन चाहे रख लीजिए, नहीं लेकिन गंदा हो गया है सब, कोई काम का नहीं, हटाइए 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 बंद कीजिए सब। ठीक है आप करिए, हिंग खोजते रहते हैं कहाँ क्या कहाँ है, कैसे मिलेगा इतना पीछे पड़ा हुआ है। ये अच्छा है, ए निशान उधर से सामान फेंक रहा है, आओ इधर आओ, तुम भी आओ बाहर आओ, आ जाओ बिट्टू आओ, देखो मम्मा साफ सफाई कर रही है, पाउडर ये भी खराब है कि ठीक है पता नहीं, रहने दीजिए उसको, देखते हैं एक्सपायरी सब कब का, पता नहीं चल रहा है हमको, देख ठीक है छोड़िए रखिए ना आप, अब जल्दी महीना में एक्सपायर करता है, हाँ हटाइए उसको तो जल्दी, हटाइए हटाइए, खराब हो गया होगा कहिया से रखा हुआ है, हटाइए जल्दी आप करके खत्म कीजिए, बंद करिए अब बस हो गया यही वाला, हाँ जल्दी जल्दी उसको आज। फिर काम वाम करते करते बज गए हैं 2:30 और अब जाके खाना वाना बना है, रिशांत हो गया है नहावा के, हम लोग भी नहावा लिए हैं, अब जा रहे हैं खाना खाने, 2:30 बज गए खाना खाने में, तो क्योंकि ये सब करते करते लेट हो गया था, उसके बाद दाल बनाया चावल बनाए और फिर सब्जी थी तो फिर बस भुजिया बनाया, अब जा रहे खाना खाने, गर्म भुजिया इधर है चावल और बाहर रखी है दाल, और अब हम चले खाना खाने। क्या हमारा खाना, चावल दाल और ये है आलू का गरम गरम भुजिया और ये बैगन का भरता या फिर क्लौंजी बोलते हैं इसको, और ये है तीसी और ये है सेब सलाद के तौर पे, इस पर घी डाला है। और ये देखिए यहाँ हम खाना लगा के बैठे हैं, 2:30 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ इनको देखिए खाने के बदले अभी भी यहाँ पे, मतलब इतना बिजी है इंसान कि अब यहाँ लैपटॉप, एक हाथ से लैपटॉप चलाएंगे और एक हाथ से खाना खाएंगे, ऐसा कुछ चल रहा है। देखिए टाइम कितना हो रहा है, टाइम दिखाइए दिखाइए, यहाँ देखिए 2:54 हो चुका है, स्थिति हो गई है, मतलब खाने का टाइम नहीं मिल पा रहा। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और आज पता चला है दोपहर में कि आज शरद पूर्णिमा है, तो इसके लिए कुछ खास नहीं, हमारे यहाँ मखान की खीर बनती है, पान मखान होता है, तो मखान मखान की खीर और पान, बचपन से हम लोग साल भर में तो नहीं, लेकिन साल मतलब साल भर तो नहीं, लेकिन एक दिन जरूर पान खाते थे आज के दिन, जो पापा जी शाम को लाते थे और चारों लोग पान खाते थे। तो आज है शरद पूर्णिमा और बचपन से ही हमें ये बताया गया है कि पहले क्या होता था, आजकल लोग बर्थडे मनाने लगे हैं, तो पहले लोगों को कब मतलब ईयर साल याद रहता था, लेकिन दिन कौन सा है डेट कौन सा वो याद नहीं रहता था। तो पापा जी का बर्थडे हम लोग कोजगरा के दिन ही मनाते थे हमेशा, पान मखान खा के और चॉकलेट भी देते थे, तो आज हमारे पिताजी का हैप्पी बर्थडे भी है,
कोजगरा के हिसाब से मिलता है, इसवी याद है, कोजगरा याद है, लेकिन डेट नहीं याद है। तो आज के दिन ही हम लोग उनका हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। तो ये बनी है हमारे यहाँ मखान की खीर, जो कि माँ ने मखान को मतलब रोस्ट करके थोड़ा सा भून के और उसके बाद दूध में मतलब भून के उसके बाद क्रश किया है वो मिक्सी में ग्राइंडर में, और उसके बाद दूध में डाल के इसको मखान की खीर बनाई है। और ये हमने बनाया है भिंडी का भुजिया और रहेगा रोटी। तो बस यही है, रोटी भुजिया और खीर, आज रात का खाना यही है। कोजगरा का पान मखान का है। हाँ, बहुत जरूरी होता है पूजा पाठ ही सब। हाँ, बस बस मम्मी वो भी मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता। एक पान हमने खा लिया है जो कि पान हमारा ससुराल का, और ये हमारे मायके का पान। तो ये खाने जा रहे हैं मायके वाला पान। तो हमारा कोजगरा तो हो गया, आपका हुआ कि नहीं, पान खाया कि नहीं बताएगा जरूर। हैप्पी कोजगरा, हम भी खा ही लेते हैं। अब बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।